जिस तरह सीनियर आईपीएस और वर्तमान में एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार को उनके काम का इनाम मिला है, अब उन्हें एडीजी कानून व्यवस्था बनाया गया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते। शानदार छवि के ऑफिसर पिछले 3 सालों से मेरठ जोन में अपनी धाक जमाए हुए अपराधियों पर कहर बनकर टूटने वाले और अपराधियों को या तो सरेंडर कराया या फिर उनको जेल में पहुंचाया या फिर ऊपर पहुंचाया। इस नीति पर चलने वाले एडीजी प्रशांत कुमार अब एलओ हो गए हैं। ऐसे में सबसे पहले R9 टीवी परिवार आपको बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। सर, अब किस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे और क्या यही एजेंडा रहेगा? शासन की जो नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की, वो कायम रहेगी। और जो शासन के निर्देश हैं, प्राथमिकताएं हैं और पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में जो भी निर्देश मिलेगा उस पर कार्य किया जाएगा। वर्तमान में जो कोविड के बाद से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, विशेषकर जो हमारे इतने लाखों की संख्या में प्रवासी बंधु वापस लौटे हैं, उसके कारण कहीं कोई सामाजिक तनाव न हो और उसको कैसे हम लोग टैकल करें, और इस संबंध में प्रशासन की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत लंबी स्कीम आई है, उसमें सभी विभागों से समन्वय बना के सामाजिक सद्भाव बना के शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। कि कोई इनकाउंटर की कोई स्टेट की पॉलिसी नहीं है और ये वही जगह उसी परिस्थितियों में की जाती है जब कानूनी तरीके से वो परमिटेड है। आपने देखा होगा कि जो जितने भी क्रैकडाउन या इनकाउंटर्स हुए हैं वो NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, सभी जगह से क्लीन चिट मिली है। और ये दर्शाता है कि कानून या जो इस संबंध में जितने भी निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन किया जा रहा है और कानून के राज्य को स्थापित किया जा रहा है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एलओ प्रशांत कुमार जो कि अब मेरठ से विदाई ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर तमाम जो जोन के ऑफिसर्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इनको शुभकामना देने के लिए पहुंच रहे हैं। IG यहाँ खड़े हैं, SSP मेरठ यहाँ खड़े हैं और तमाम जो आसपास के जिलों के ऑफिसर्स हैं यहाँ मौजूद हैं, इनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्योंकि एडीजी प्रशांत कुमार वो नाम बन चुका है, अपराधियों के जहन में एक डर बैठ गया है, या तो वो अपराध छोड़ते हैं, सरेंडर करते हैं, या फिर उनको ऊपर जगह मिलती है या फिर जेल के अंदर वो सड़ जाते हैं। कैमरामैन सलमान के साथ मनोवर चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।